हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बिल एलोकेशन क्या है और बिल एलोकेशन में अगेंस्ट रेफरेंस पर कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले थे कि एडवांस रिसिप्ट पे बिल एलोकेशन पे कैसे एडजस्टमेंट होता है। पर उससे पहले हम लोग को क्या सीखना होगा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको परचेज और सेल। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक, ठीक है, तो देखिए स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो, जो कि आपका मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो के नीचे है। ठीक है, जहां पे इस समय हमारा कर्सर है, ठीक है, वहां पे जाएंगे, इंटर करेंगे तो देखिए आपको सिर्फ दो चीज दिख रहा है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम। पर हमने आपसे क्या क्या बोला, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी यहां नहीं दिख रहा है, तो स्टॉक कैटेगरी लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा F11। ठीक है, F11 प्रेस करते ही आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टैचुरी फीचर दिख रहा होगा। ठीक है, पर ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो ये फीचर कहाँ मिलेगा हमको, इन्वेंट्री फीचर में इंटर करेंगे और उसके बाद देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन हेडिंग, जहां पे इस समय कर्सर है हमारा, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में देखिए दूसरा वाला क्या है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। ठीक है, इसको आके हम लोग यस कर देंगे, इसको जैसे ही यस करेंगे उसके बाद हमने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था, या आप लोग यहां से सिर्फ कंट्रोल ए करके सेव कर लें या फिर इंटर करते करते आखिरी स्टेप तक जाएंगे फीचर तक और वहां पे जाके एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने वो फीचर इनेबल किया, देखिए अब यहां पे क्या आ गया, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। ठीक है, देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे काम करते हैं और वो फोन में डील करती है, ठीक है, तो उसका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, फोन। ठीक है दोस्तों, और कैटेगरी क्या हो जाएगी, जो वो अदर टाइप के फोन कंपनी रखा है, कंपनी के फोन रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैमसंग का रखा है, एप्पल का रखा है, माइक्रोमैक्स का रखा है, तो ये तीनों क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। और आइटम में आप क्या रखेंगे, जैसे सैमसंग का जितना मॉडल है वो आइटम में, माइक्रोमैक्स का जितना है और एप्पल का जितना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप। ठीक है, आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट, तो क्रिएट करेंगे, मान लीजिए हमने कहा स्टॉक ग्रुप है हमारा सैमसंग, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए है हमारा स्टॉक ग्रुप है फोन, इंटर करेंगे और प्राइमरी में करके इंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इंटर करेंगे ये फिर से रीसेट हो जाता है, आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर बैक आएंगे, अब कैटेगरी बनाना है, फोन में हमें कौन कौन सी कैटेगरी चाहिए, मान लीजिए हमने कहा सैमसंग, और कैटेगरी ये रहेगी प्राइमरी, और मैंने कहा माइक्रोमैक्स। ठीक है, हो गया, हमने एक ग्रुप बनाया फोन, दो कैटेगरी बनाई सैमसंग और माइक्रोमैक्स। अब आइटम पे आते हैं, जैसे स्टॉक आइटम करेंगे क्रिएट पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, नेम आपको क्या चाहिए, हमने कहा J5। ठीक है, इंटर करेंगे तो पूछेगा ये किस ग्रुप का है, तो हमने कहा ये फोन में है, पूछेगा किस कैटेगरी का, हमने कहा सैमसंग का, फिर पूछेगा यूनिट कि आपने इसको किस यूनिट, मतलब कितनी यूनिट आपने इसकी ली है, ठीक है, या किस यूनिट में आप इसको डिफाइन करेंगे, तो हमेशा फोन आपका डिफाइन होता है पीस में। ठीक है, तो इसको यहां से हम लोग ऑल्ट सी करके बना लेंगे, क्या बनाएंगे, पीसेस, पीसीएस शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे नीचे क्वांटिटी, कितना पीस आपने खरीदा, हमने कहा 15 पीस, रेट हमने कहा 5000 और वैल्यू आ गई आपकी, इंटर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा हम लोग बनाएंगे J7, इसको उसी तरह फोन सैमसंग पीसेस क्वांटिटी मान लीजिए हमने कहा 20 और 10000 का फोन। ठीक है, अब मान लीजिए माइक्रोमैक्स का कोई ऐसे ही नाम ले लेते हैं किसी फोन का, मान लीजिए हमने ले लिया माइक्रोमैक्स का, एक नाम दे देते हैं M5। ठीक है,
M5 जैसे लेंगे, इसको भी फोन की कैटेगरी में डालेंगे। पर अब यहाँ पे कैटेगरी क्या हो जाएगी, माइक्रो मैक्स और पीसेस, क्वांटिटी और रेट, ठीक है। ऐसे हमने क्या क्या बना लिया, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर या तो आप यहां से बना सकते हैं या तो वहीं से आप लोग ऑल्ट सी करके बना सकते हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम इसलिए बनाते हैं कि जो स्टॉक आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाएंगे और उसको कैसे गोडाउन में रखेंगे और ट्रांसफर करेंगे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, ठीक है। दोस्तों वीडियो को देखते रहें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो आपको पिछली भी किसी भी वीडियो में या इस वीडियो में, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें हमारे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।